बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदा ना चीज़ असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको सामने के साथ मिल सकें। हमने बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है 2.2 और उसके पहले 2 क्वेश्चन कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन मीन्स बिटवीन बिटवीन 2 का अंडर रूट ओवर 2 एंड 3 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 2। बच्चों हमने इन दो नंबर के दरमियान 4 क्या मालूम करने हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। मतलब क्या फाइंड करना है, A1 मालूम करना है, A2 मालूम करना है, A3 मालूम करना है और A4 मालूम करना है। तो हमें क्या चाहिए, A1 और कॉमन डिफरेंस चाहिए, A1 और कॉमन डिफरेंस। बच्चों सबसे पहले लेट करेंगे, लेट 4 अर्थमेटिक मीन लेट कर लेंगे, A1, A2, A3 और A4, B4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 का अंडर रूट ओवर 2 एंड 3 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 2। बच्चों इन दो नंबर के दरमियान, इन दो नंबर के दरमियान हमने क्या फाइंड करने हैं, ये वाले 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो सो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा 2 का अंडर रूट ओवर 2, 2 का अंडर रूट ओवर 2, A1, A2, A3, A4, 3 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 2। इन दो नंबर के दरमियान बच्चों हमने क्या फाइंड करने हैं, ये 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। A1 फाइंड करना है, A2, A3, A4, इन दो नंबर के दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, ये 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, A1 कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, A1 हमारे पास कितना, 3, 2 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। और ये वाली आखिर वाली टर्म क्या कहलाएगी, nth टर्म, an, an कितना हमारे पास, 3 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 2। n कितना हमारे पास, n भी मालूम कर लेंगे, n कितना हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6, n कितना आ गया, 6। बच्चों n किस, देखो ना ये फर्स्ट टर्म a1 आ गई, ये लास्ट टर्म an, 3 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 2। एन क्या हमारे पास, वन, नंबर ऑफ टर्म है 1 2 3 4 5 6, एन 6 आ गया। बच्चों एन 6 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो A1 भी है हमारे पास, एंथ टर्म भी है, एन भी है, हमें A1 A2 A3 A4 फाइंड करने के लिए हमें A1 की जरूरत है, A1 तो है हमारे पास, हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। बच्चों वो कॉमन डिफरेंस कौन से फार्मूले से फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, एंथ का फार्मूला, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। बच्चों ये फार्मूला लगा के क्या फाइंड कर लेंगे, और d फाइंड कर लेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, इंटू d आ गया। an कितना हमारे पास, 3 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 2, a1 कितना हमारे पास, 2 का अंडर रूट ओवर 2 प्लस n कितना हमारे पास, 6 माइनस 1, d कितना हमारे पास, d हमने मालूम करना है। बच्चों क्या मालूम करेंगे, पहले d, d कौन से फार्मूले से मालूम करना पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, nth टर्म का, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आगे किसकी हो जाएगी बच्चों, और ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आगे माइनस की वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5d आ जाएगा। बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा, 2। बच्चों एलसीएम कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 2 के साथ कैंसिल, 3 इंटू 2 का अंडर रूट माइनस आ गया,
टू टू के साथ कैंसल, टू का अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू, और ये फाइव इधर क्या है मल्टीप्लाई है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा, और ये फाइव इधर मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे टू का अंडर रूट कॉमन ले लेंगे बच्चों, ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे टू का अंडर रूट, क्या बचेगा थ्री माइनस वन ओवर पांच दुनी दस आ गया इज इक्वल टू डी, बच्चों ये टू का अंडर रूट आ गया, थ्री में से वन माइनस करेंगे टू ओवर टेन इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू डी, अब देखो दो एकम दो, दो पांच दस, टू का अंडर रूट ओवर फाइव आ गया, ये हमने क्या फाइंड कर लिया कॉमन डिफरेंस, हमने क्या फाइंड कर लिया कॉमन डिफरेंस, बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या हमारे पास टू का अंडर रूट ओवर फाइव, अब क्या फाइंड करेंगे ए वन, बच्चों क्या फाइंड करेंगे ए वन किसके बराबर है ए वन प्लस वन डी, ए वन प्लस वन डी के बराबर है ए वन, इसी तरह ए वन फर्स्ट टर्म क्या ए वन हमारे पास टू का अंडर रूट ओवर टू, टू का अंडर रूट ओवर टू प्लस वन डी कितना हमारे पास टू का अंडर रूट ओवर फाइव, टू का अंडर रूट ओवर फाइव आ गया ए वन इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा टेन, दो पाँच दस, पाँच ऊपर जाके फाइव, और टू वन टाइम टू फाइव टाइम फाइव, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा फाइव इंटू टू का अंडर रूट, देखो ना दो पाँच दस आ गया, पाँच पे गया पाँच, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पाँच दूनी दस, दो पे गया दो, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ए वन इज इक्वल टू, अब यहां से कॉमन क्या ले लेंगे टू का अंडर रूट, क्या बचेगा हमारे पास फाइव प्लस टू ओवर टेन आ गया ए वन इज इक्वल टू किस, फाइव प्लस टू कितना आ जाएगा सेवन इंटू टू का अंडर रूट ओवर टेन आ गया, बच्चों ये हमने क्या फाइंड कर लिया ए वन मालूम कर लिया, अब क्या मालूम करेंगे ए टू, बच्चों ए टू किसके बराबर है ए वन प्लस टू डी के बराबर है, किसके बराबर है टू डी के बराबर है ए वन ए टू, इसी तरह ए वन कितना हमारे पास बच्चों ए वन टू का अंडर रूट ओवर टू, टू का अंडर रूट ओवर टू के बराबर है प्लस टू, इसी तरह डी की वैल्यू पुट कर देंगे डी की वैल्यू क्या हमारे पास टू का अंडर रूट ओवर फाइव, टू का अंडर रूट ओवर फाइव आ गया ए टू इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा टेन आएगा, दो पाँच दस, पाँच ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, पाँच पाँच दूनी दस, टू आ जाएगा टू ऊपर जाके मल्टीप्लाई टू टू फोर इंटू टू का अंडर रूट, बच्चों ए टू इज इक्वल टू, ए टू इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे ऊपर से टू का अंडर रूट, क्या बचेगा फाइव प्लस फोर ओवर टेन आ गया ए टू इज इक्वल टू फाइव, फाइव प्लस फोर करेंगे तो कितना आ जाएगा नाइन इंटू टू का अंडर रूट, और देखो ना फाइव प्लस फोर कितना आ गया नाइन, और नाइन शुरू में लिख देंगे टू का अंडर रूट साथ लिख देंगे ओवर टेन आ गया, ये था हमारा ए टू, कितना आ गया ए टू आ गया, अब बच्चों क्या फाइंड करेंगे ए थ्री, बच्चों ए थ्री किसके बराबर है ए वन प्लस थ्री डी के बराबर है, क्योंकि हमने फोर अर्थमेटिक मीन फाइंड करनी है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, बच्चों ये ए वन के बराबर है ए टू ए थ्री ए फोर, ए थ्री इज इक्वल टू ए वन कितना हमारे पास टू का अंडर रूट ओवर टू प्लस थ्री, इसी तरह डी क्या हमारे पास टू का अंडर रूट ओवर फाइव, बच्चों ए वन की वैल्यू पुट कर दी और डी की वैल्यू पुट कर दी, इसका एलसीएम कितना आएगा टेन आ गया, दो पांच दस, पांच पे गया पांच, ऊपर जाके टू के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई, पांच दूनी दस, दो पे गया दो तीन छ इंटू टू का अंडर रूट, बच्चों ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे टू का अंडर रूट कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा फाइव प्लस सिक्स, और टू का अंडर रूट कॉमन ले लिया तो फाइव प्लस सिक्स आ जाएगा, देखो टू का अंडर रूट के साथ कैंसल कितना बचेगा फाइव, टू का अंडर रूट कैंसल सिक्स बचेगा ओवर टेन आ गया ए थ्री, बच्चों ए थ्री कितना हमारे पास टू का अंडर रूट, देखो ना फाइव प्लस सिक्स करेंगे तो अलेवन इंटू टू का अंडर रूट ओवर टेन आ गया, ओवर टेन आ गया, ये था हमारा
A3। अब क्या फाइंड करेंगे? A4। बच्चों A4 किसके बराबर है? A1 प्लस 4D के बराबर है। किसके बराबर है? 4D के बराबर है A4। इसी तरह A1 कितना हमारे पास? 2 का अंडर रूट ओवर 2 प्लस 4। इसी तरह आ गया D कितना हमारे पास? 2 का अंडर रूट ओवर 5। बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा? 10। देखो 2 5 10, 5 पे गया, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के जजर के साथ। देखो 5 दूनी 10, 2 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना देगा? 4 दूनी 8 इंटू 2 का अंडर रूट। बच्चों A4, अब यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे? 2 का अंडर रूट, क्या बचेगा? 5 प्लस 8 ओवर 10 आ गया। बच्चों जमा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 प्लस 8 जमा करेंगे 13 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 10 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया? A4। ये था हमारा फाइनल आंसर। हमने A4 भी फाइंड कर लिया, A1, A2, A3 और A4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्या फाइंड करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट क्वेश्चन नंबर 4 5। क्या फाइंड करने? हमने 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने, बिटवीन किसके बिटवीन फाइंड करने हैं? 10 एंड 25। 10 और 25 के दरमियान क्या फाइंड करने हैं? 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो एक और नंबर, बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने, इन दो नंबर के दरमियान हमने क्या फाइंड करने हैं? 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। मतलब क्या फाइंड करेंगे? A1, A2, A3, A4, A5। हमने ये अर्थमेटिक मीन हम क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे, लेट A1, A2, A3, A4, A5, B अर्थमेटिक मीन 5, अर्थमेटिक मीन बटवीन किसके बटवीन फाइंड करने हैं? 10 एंड 25 के दरमियान, 10 और 20 के दरमियान। इसका मतलब क्या? और ये जोन से अर्थमेटिक 5 मीन है, इन दो नंबर के दरमियान फाइंड करने हैं, तो इसके दरमियान में लिखना पड़ेगा। बच्चों इन दोनों नंबर के दरमियान ये 5 अर्थमेटिक मीन लिख देंगे, 10 के बाद A1, A2, A3, A4, A5 और 25। इन दो नंबर के दरमियान हमने क्या फाइंड करने हैं? 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। तो बच्चों A1 क्या हमारे पास? A1 हमारे पास 10 है। A1 कितना आ गया हमारे पास? 10। और ये आखिरी वाला नंबर क्या कहलाएगा? nth टर्म का An कहलाएगा, 25। An कितना हमारे पास? 25। n कितना हमारे पास? बच्चों n कितना हमारे पास? n नंबर ऑफ टर्म, 1 2 3 4 5 6 7, कितने आ जाएंगे? 7। n कितना आ गया हमारे पास? 7। हमें देखो ना, A1, A2, A3, A4 फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म तो है हमारे पास लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं है। और बच्चों सबसे पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करना पड़ेगा। अब कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा? nth का फार्मूला, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। बच्चों ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एन कितना हमारे पास 25, A1 कितना हमारे पास 10, एन कितना हमारे पास 7, माइनस 1 आ गया, डी हमने मालूम करना है 25, ये प्लस का 10 है माइनस का 10 हो जाएगा, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6D आ जाएगा, 25 में से 10 माइनस करेंगे तो 15 6D, ये 6 मल्टीप्लाई इस तरफ आगे 6 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा बच्चों, इस तरफ आगे 6 डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के टेबल पे इसको कैंसिल कर देंगे, देखो 3 दूनी 6, 3 5 15 कितना आ गया 5/2 आ जाएगा, डी कितना आ गया 5/2 आ गया, ये हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। अब हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, A1 मालूम करना है, A1 किसके बराबर है, A1 प्लस 1D के बराबर है, A1 इज इक्वल टू, A1 कितना हमारे पास 10 प्लस D कितना हमारे पास 5/2 है। अब बच्चों इसका क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, देखो इसका बटा नहीं है 10 का, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 10 20, 2 2 के साथ कैंसल 5 आ गया, A1 हमारे पास कितना आ गया 20 में प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25/2 आ गया, ये था हमारा A1। अब क्या फाइंड करेंगे A2, A2 किसके बराबर है, A1 प्लस 2D के बराबर है बच्चों, A1 कितना हमारे पास 10 प्लस 2, इसी तरह D कितना हमारे पास 5/2, D कितना हमारे पास 5/2, A2 इज इक्वल टू, ये 10 इसी तरह, ये 2 2 के साथ कैंसिल कितना आ गया 5 बच्चों, A2 कितना आ गया 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, A2 कितना हमने निकाल लिया 15। अब क्या निकालेंगे A3, और A3 किसके बराबर है, A1 प्लस 3D के बराबर है, A3 इज इक्वल टू, A1 कितना हमारे पास 10 प्लस 3 आ गया, D कितना हमारे पास 5/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम बनेगा 2 बच्चों, कितना एलसीएम बनेगा इसका 2, ये वाला नीचे वाला एलसीएम है, अब देखो 2 10 के साथ मल्टीप्लाई होके 20 आ गया, प्लस 2 2 के साथ कैंसिल 5 3 15 कितना आ जाएगा 35/2 आ गया बच्चों, कितना आ गया 35/2, A3 हमने कितना निकाल लिया बच्चों, A3 हमने कितना निकाल लिया 35/2 निकाल लिया। अब क्या फाइंड करेंगे A4 किसके बराबर है, A1 बच्चों क्या निकालेंगे A4 बच्चों, A4 किसके बराबर है, A4 A1 प्लस 4D के बराबर है, A1 कितना हमारे पास 10 प्लस 4, इसी तरह D कितना हमारे पास 5/2, ये 10 इसी तरह 2 एकम 2 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 5 दूनी 10 कितना आ गया 20 आ गया, A4 कितना आ गया 20 के बराबर। अब क्या फाइंड करेंगे A5 बच्चों, A5 का फार्मूला क्या हमारे पास, A1 प्लस 5D के बराबर है, A5 इज इक्वल टू, A1 कितना हमारे पास 10 प्लस 5 इसी तरह आ गया 5 हमारे पास इसी तरह, D क्या हमारे पास, D 5/2, D की वैल्यू कितनी हमारे पास 5/2 कॉमन डिफरेंस, ये 10 इसी तरह, 5 5 कितना आ जाएगा 25, 5 5 25/2। अब इसका बच्चों क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना बनेगा 2, देखो इसका बटा नहीं है 10 का, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 दूनी 20, 2 2 के साथ कैंसिल कितना आ गया 25, A5 कितना आ गया हमारे पास 20 में प्लस करेंगे 25 तो हमारे पास आ जाएगा 45/2, A5 कितना आ गया 45/2 आ गया, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देख बच्चों क्वेश्चन क्या हमारा, देखो ना इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, और हमने 5 फाइंड करने हैं अर्थमेटिक मीन, किन दो नंबर के दरमियान, 10 और 25 के दरमियान, 10 को शुरू में लिखेंगे 25 को बाद में, इसके दरमियान में जो हमने फाइंड करने हैं अर्थमेटिक मीन, A1 A2 A3 A4 A5। अब A1 फर्स्ट टर्म A1 होगी, ये जो आखिर वाली टर्म है ये An के बराबर, nth टर्म के बराबर है, N फाइंड करेंगे कैसे मालूम करेंगे, N वन नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, N 7 आ गया।
अब हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मालूम करने के लिए बच्चों कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, एंथ टर्म का, जनरल टर्म का। यहाँ पर ए वन और एन की वैल्यू यहाँ से डिफाइंड कर लेंगे। अब ए वन का फार्मूला लगा दिया, फिर ए टू का लगाकर, ए थ्री और ए फोर का लगाकर हम इस तरह वैल्यू फाइंड कर ली। तो अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़। दो में ज़रूर याद रखना।